फैमिली, वेलकम टू आर चैनल। मैं हूँ विशाली, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल को देख के इस वीडियो को क्लिक किया है, इस वीडियो में मैं अमेजोन रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। ट्रैवल एसेंशियल्स रहेंगे, मेकअप स्किन केयर रहेगा और ज्वेलरी पीसेज रहेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है, अगर आपको पसंद आए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर देना और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों की डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और ऐसे अच्छे रिकमेंडेशंस ऑनलाइन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारी ही जो चीज़ें हैं वो होने वाली हैं अमेजोन से ऑब्वियसली, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक ही लिंक पर टैप करके आप सारी शॉपिंग कर सकते हो, सारी नहीं तो जो आपके काम की है, जो आपके मतलब की है, जो आपके यूज़ में आने वाली है वो आप चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मंथ एंड होते होते मैंने सोचा कि ये वीडियो भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, रैंडम है, इसलिए मैं रैंडमली शुरू करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये है पी शूट। ये मैंने देखा था शार्क टैंक, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा शार्क टैंक के एक एपिसोड में मैंने ये वाला देखा था, पी शूट योर हैंडी टॉयलेट। अब देखिए, रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया, हम लोग हिमाचल गए थे, व्लॉग भी बहुत जल्दी व्लॉग चैनल पर आएगा। तो ऐसे में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत बार हॉल्ट लेना या बीच बीच में गाड़ी रोकना इज़ इम्पॉसिबल, और जब आपके साथ बच्चे होते हैं छोटे और आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है तो उसमें आपको ये बहुत काम आ सकता है। इस एक पैक में आपको 3 packs मिलते हैं, मतलब 3 इस तरीके से पाउचेस मिलेंगे। ये देखिए, इस तरीके का पैक आता है पूरा, सभी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान है, ऊपर से ही इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये देखिए, खोलकर इसके अंदर ना आपको कुछ ग्रैनुल्स मिलेंगे, मतलब कुछ ना पाउडर टाइप का है। आप रनिंग कार में भी इसमें पी करके इसको सील करके रख सकते हैं और इसमें कोई स्मेल नहीं आती। और इसके अंदर जो पाउडर है, अब आप सोचेंगे पेपर के अंदर अगर हम पी कर देंगे या शुशु कर देंगे तब क्या होगा, ये तो लिक्विड है, ये ख़राब हो जाएगा। नहीं, ये पैकेज ऐसे ही बनाया गया है, विदिन 2 or 3 seconds जैसे हम इसमें पी करते हैं इसके अंदर जो पाउडर है उस लिक्विड को सॉलिडिफाई कर देता है, मतलब एक सॉलिड में बदल देता है। देन आप इसको पैक करके रख सकते हैं, आपको कहीं भी डस्टबिन मिले या कहीं भी ऐसी जगह मिले वहाँ इसको आप फेंक सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। इट इज़ वेरी 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 हैंडी। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में कोई एल्डर है या कोई भी बीमार है, इस तरीके से अगर बार बार आप वॉशरूम नहीं जा सकते उस केस में भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पी सेफ भी शेयर किया था प्रीवियस कुछ वीडियो में, जिसमें आप स्टैंड एंड पी लाइक खड़े होके भी पी कर सकते हो, जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है जो वुमेन्स हैं स्पेशली, जब भी ट्रैवल करते हैं सारे वॉशरूम्स हमें क्लीन नहीं मिलते हैं तो उन केसेस में वो काम आता है। और ये तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मेरे एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी अच्छा रहा। ये 3 का पैक आता है तो इसको भी आप ले सकते, गिरा दिया मैंने, वाह। तो ये 3 का पैक आता है, इसको आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, आई थिंक 299 rupees का ये 3 का पैक है। और ये बहुत ही कमाल का यार, आपकी गाड़ी में ये होना ही चाहिए और आपके बैग में भी आप कैरी कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले मैंने पीसेफ की बात की तो सामने मुझे दिख रहे हैं टैम्पोन्स। देखिए, हमें से काफ़ी सारे लोग टैम्पोन्स यूज़ करते होंगे, जिन्होंने नहीं यूज़ करे प्लीज़ गो फॉर इट, ये सेफ हैं और बहुत ही ईजी हैं। एक्चुअली मैं आपको बोलूँगी कि पीरियड्स में भी अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो तो टैम्पोन्स ट्राई करना, मैं भी पहले नहीं करती थी बट अब करती हूँ। गो फॉर दिस वन, दिस वन इज़ फ्रॉम पी सेफ बायोडिग्रेबल टैम्पोन्स, 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ। देखिए, सिंथेटिक आपको टैम्पोन्स भी मिलेंगे जिसमें आपको पता भी नहीं होता जो उसके अंदर की फाइबर है वो सिंथेटिक है। इवन बहुत सारे पैड्स हम यूज़ करते हैं अपने पीरियड्स में जो कि सिंथेटिक होते हैं, बिल्कुल भी उनको मत यूज़ करिए, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कॉटन का आप टैम्पोन्स यूज़ करो, जो पैड यूज़ करते हो वो भी ऑर्गेनिक, जो कॉटन के बेसिक पैड्स होते हैं ना वही यूज़ किया करो, प्लीज़ सिंथेटिक और इस तरीके के पैड मत यूज़ करो। इसका जो मैं बोलूँगी लॉन्जिविटी है, ये लगभग 8 to 10 hours रहता है और डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लो, ये मीडियम फ्लो के लिए आराम से 8 to 10 hours स्टे करता है। और ये बहुत हैंडी है, ट्रैवल के लिए अच्छा है, सो इसके लिए आप जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका भी लिंक दे रही हूँ।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एसेंशियल चीज पर, विच इज दिस। आप देख सकते हो पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये है सिंपल का माइसिलर क्लीनिंग वाइप्स, सिंपल का मेकअप रिमूवर वाइप्स। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मेकअप रिमूविंग बाम्स और वो लिक्विड्स ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और बिलीव मी, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, चाहे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से, चाहे आप ट्रेन से, प्लेन से या कार से ट्रैवल करते हो, मेकअप नहीं भी किया तब भी हमारे फेस पे बहुत डर्ट आ जाता है, गंदगी आ जाती है ड्यूरिंग ट्रैवल। तो आप ये वाला कैरी कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स लेना मतलब ईजी नहीं होता। ये सिंपल वेट वाइप्स भी नहीं है, और सिंपल मतलब प्लेन वाले वेट वाइप्स भी नहीं है, और आपको एक मेकअप रिमूवर मतलब कैरी नहीं करना अलग से। इसके अंदर मेकअप रिमूवर मिक्स है, और ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, केमिकल फ्री है। डेफिनेटली इसको आप चेकआउट कर सकते हो मेकअप रिमूव करने के लिए। मेकअप नहीं भी किया है, ट्रैवल किया है बहुत दूर, जस्ट इसको अपने बैग से निकालो, अपना फेस क्लीन कर लो, बहुत अच्छे से डीप क्लींस करता है आपका फेस। नेक्स्ट पर मूव करते हैं जो मेरे सामने, मेरे हाथ के सामने मुझे दिख रहा है, विच इज दीज आईलैशेस, जो कि मैंने अभी रिसेंटली खरीदे हैं अमेजोन से। ये वाले जो आई लैशेज है ना यार, ये बहुत ही सही वाले आई लैशेज हैं। जैसे जब हम लोकल आई लैशेज कोई भी खरीद लो, लोकल नहीं, मैंने काफ़ी अच्छे ब्रांड के भी यूज़ किए हैं, लगाने के बाद ना वो प्लास्टिक प्लास्टिक फील होती है और बहुत हैवीनेस फील होता है। इसमें ऐसा मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, और इसमें ना मतलब प्रॉपर रियल ह्यूमन हेयर्स तो नहीं है ये, मुझे वो वाले तो फील नहीं हो रहे, बट इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये फंस चुका है, ओके, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक एट इट, देखिए, मतलब बिल्कुल भी फेक वाला ना फील नहीं आएगा, एटलीस्ट आपको तो नहीं आएगा। सो ये लैशेस आप ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ ज्वेलरी पीसेस पर। ज्वेलरी पीसेस में मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये वाले सनग्लासेस, जो कि मैंने रिसेंटली मंगाए हैं पीपा बेला ब्रांड से। पीपा बेला ब्रांड इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, और रिसेंटली मैंने इनके काफ़ी सारे ज्वेलरी पीसेस चेक किए हैं, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई है वो मुझ तक पहुँच जाए, देन मैं पीपा बेला का मतलब फुल्ली डेडिकेटेड हॉल बना सकती हूँ। अगर आप में से कोई देखने में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, फिर मैं वाली वीडियो प्लान करूँगी। लुक एट इट, द ब्यूटिफुल शेड्स। इसमें ना ऊपर की तरफ थोड़ा डार्क ब्लैक और नीचे की तरफ थोड़ा सा ना ब्राउनिश टोन आता है, और नीचे ना टाइगर जो लेपर्ड प्रिंट है ना वो हल्का सा नीचे है, ऊपर ये डार्क वाला है। लुक एट दिस, यहाँ पे ना लेपर्ड प्रिंट सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो। ओवरसाइज अगर आप सनग्लास ढूंढ रहे हैं अच्छी क्वालिटी में, सच अ गुड स्टनिंग पीस। सो मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे ड्यूरिंग ट्रैवल ये पहले क्यों नहीं मिला, मुझे ये बाद में मिला है, बट इट इज़ स्टनिंग। ऑनलाइन अगर आप सनग्लासेस ढूंढ रहे हो कुछ अच्छी क्वालिटी के, गो फॉर इट। सो चलिए पीपा बेला का नेक्स्ट पीस जो मुझ तक पहुंच गया है, विच इज़ दिस। ये देखिए पैकेजिंग बहुत अच्छी देते हैं, लाइक H&M और ज़ारा से अगर आप ज्वेलरी पीसेस पसंद करते हैं लेना, तो डेफिनेटली आपको इनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे लगेंगे। रिसेंटली जब हमने 200,000 टच किया था, तो मैंने सेलिब्रेट किया था, एक रेड ड्रेस पहना था, मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे आपको फ़ोटो दे दूँ, उसके साथ ये लिंक्ड चेन वाला नेकलेस मैंने पहना था, जिसमें ये वाला नेकलेस बहुत खूबसूरत डेंटी लगता है। इसका हाफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेट, यस, इसका हाफ पार्ट सिल्वर है इस साइड वाला, एंड इस साइड वाला गोल्डन है, तो सच अ यूनिक पीस। इसको आप मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गोल्डन सिल्वर कैसा भी ड्रेस में वर्क है, काम है, आप इसको आराम से पहन सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों ही शेड्स हैं, और थोड़े से ना स्टोन वर्क किया हुआ है, हाफ नेकलेस में स्टोन वर्क है, बाकी सब प्लेन है। तो इट्स अ वेरी नाइस पीस जो मुझे अच्छा लगा हुआ पहनने के बाद, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था। लिंक चेन ऑलवेज ट्रेंड में इन रहती है, कभी भी मतलब ऐसी नहीं होती कि डिज़ाइन पुराना हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पीस की तरफ। ओके, ट्रैवल एसेंशियल्स में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, ये नीचे की तरफ रखी हुई थी, दिस वॉमिट बैग। वॉमिट बैग आर वेरी वेरी एसेंशियल, मतलब जो मेरी तरह मम्मी है ना, मतलब मेरे बेटे को स्पेशली मोशन सिकनेस रहती है, कार में बहुत देर तक ट्रैवल करता है तो उसको वॉमिटिंग फील होने लगती है, वॉमिट कर देता है, उस केस में ये बहुत काम आता है। इस तरीके से ना ऊपर प्लास्टिक का एक रिंग दिया हुआ है, एंड इसके अंदर आप वॉमिट कर सकते हो, इसको ट्विस्ट करके आपको कहीं डस्टबिन में फेंकना है आप उसको आराम से फेंक सकते हो। इसमें अच्छी खासी लाइक
1.5 लीटर की कैपेसिटी है, तो हालांकि इतना तो रियल लाइफ में कोई भी नहीं करता, बच्चा क्या बड़ा भी नहीं करता, बट स्टिल इसमें काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। आपकी गाड़ी में, आपके बैग में ये होना ही चाहिए। अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हो या फिर ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बस में, आपको मोशन सिकनेस है, आपको उल्टी आती है इस तरीके से बैठने पर, तो आपके लिए ये बहुत काम आएगा। आई नो इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, बट जो आपका पर्पस है ना वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं रहता। मैंने इससे पहले ना जो नॉर्मल हमारी पॉलिथीन होती है ना उसको ट्राई किया, मैं अपने गाड़ी में रखती थी बचपन से, उसको मोशन सिकनेस है मेरे बेटे को, सो इसके लिए तो मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ। नॉर्मल बैग में क्या है कि आपको कैरी करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप दोनों हाथ से उसको पकड़ना पड़ेगा, देन अगर आप वो छोटे बच्चे के साथ करवा रहे हो, उसको बार बार मुंह ऊपर करना पड़ता है, नीचे करना पड़ता है, मतलब इट इज़ लाइक टोटली हॉरिबल सिचुएशन। तो इसमें क्या रहता है, मैं बहुत ईजीली इस कैप की मदद से पकड़ भी लेती हूँ, उसकी बैग भी सहला देती हूँ, और से आराम से वॉमिट हो जाती है, देन हम इसको फेंक देते हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। आप में से किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग ट्रैवल, तो आप इसको रख सकते हो। घर में कोई बीमार है, बार बार वॉशरूम की तरफ नहीं भाग सकता, तब भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आई नो ये चीज़ें इंटरनेट पे बहुत कम है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पीस। नेक्स्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये प्रिटी से पैचेस। मेरे को एक्चुअली कुछ ड्रेसेस पर ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, दिमाग चल रहा है अभी, तो उसके लिए मैं कुछ पैचेस ढूंढ रही थी। मुझे ये बी वाले पैचेस मिले जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। वेट अ मिनट, ये देखिए इस तरीके से ना जरी थ्रेड ग्रे कलर का सीक्वेंस, मतलब बहुत ही स्मार्ट पीस लगा ये देखो। वेट फोकस, यस। सो ना इसके मुझे काफ़ी सारे पीसेस मिले हैं, लाइक लगभग 12 पीसेस हैं इस तरीके से पैक मुझे मिला था, तो इसको मैं आगे यूज़ करूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी मैंने इसको कहाँ अपना दिमाग लगा के यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इस फेस पैक की तरफ, क्योंकि यही मेरे सामने पड़ा था और इसीलिए मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। रेड वाइन फेस मास्क विद मलबरी एंड रोजहिप ऑयल ऑल स्किन टाइप्स। मैं अभी इसको करंटली यूज़ कर रही हूँ, मैंने ट्रैवल किया ड्यूरिंग, इतना ज़्यादा मतलब मेरी स्किन इरिटेट हो गई है, बहुत सारे मेरे को एक्ने हो गए हैं, क्योंकि वाटर इनटेक कम रहता है जब आप रोड ट्रैवल कर रहे होते हो, तो बहुत सारी अप एंड डाउन चीज़ें और बाहर का खाना। तो फिर मैंने इसको चूज़ किया अपनी स्किन केयर के लिए, मैं ऑल्टरनेट डेज पर इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप भी ट्राई करना। नेक्स्ट इज़ अ ज्वेलरी पीस अगेन, द ऑल वाइब इज़ ब्लू टुडे, लाइक मैंने लाइनर ब्लू किया है, ड्रेस भी ब्लू पहना है, नेल पेंट्स भी ब्लू लगाए हैं। सो एक ब्लू चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, विच इज़ एंकलेट। ये एंकलेट मैंने ली है वोयला ब्रांड से, आप लोगों को पता होगा जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि मुझे वोयला के ज्वेलरी पीसेस बहुत पसंद है। लुक एट दिस, ये बहुत ब्यूटीफुल चार्म्स हैं बीच बीच में, और ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर में है, ये पूरा ही ब्रास में है, तो उसकी अगर पॉलिश भी जाएगी ना हल्का हल्का ब्लैक होगा, बट ये बहुत सही लगता है एंटीक वाला, सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, जब ब्लू कलर की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट माई नेल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं वैशाली अपना प्लीज़ नेल पेंट हमारे साथ शेयर कर दिया करो, और ना हम इतने सारे कॉमेंट करते रहते हैं, सो हियर इट इज़। जो मैंने ये डार्क वाला ब्लू कलर लगाया है वो है ये, द ब्रांड इज़ फ्योर आई थिंक, ये वाला ब्लू कलर जेल लाइक नेल पेंट है, बहुत ही सही है, मैंने अमेजोन से मंगाया है। इस ब्रांड के मैंने और भी ग्लिटर वाले नेल पेंट्स ट्राई किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे प्रीवियस वीडियोज़ में, बहुत ही सही रहता है। अब जो इसमें सिंगल मैंने एक ब्लू लगा रखा है ना ये वाली फिंगर पे, ये वाला, ये मैंने H&M ब्रांड का लगाया है, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, बट मैंने एज एन सिर्फ कलर दिखाने के लिए आपको ये बॉटल रखी थी, क्योंकि मैंने ये स्टोर से ली थी H&M के। सो ये वाली मैंने इस वाले नेल पर लगाई है, बाकी मैंने ब्लू वाला वो लगाया। सिंपल यार, मतलब एक एक कलर चेंज कर लो ना तो एकदम ऐसा लगता है कि हमने क्या नेल आर्ट कराया है। रिसेंटली जब मैं ये लगा रही थी, रिसेंटली क्या मतलब अभी जब मैं शूट करने से पहले ये लगा रही थी, मेरी बेटी ने भी इसको लगाया, उसने बोला बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है, एक फिंगर पर लाइट ब्लू बाकी सब पे डार्क ब्लू। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करेगा प्लीज़ डू फॉलो, मैंने वहाँ पे पिक्चर्स और स्टोरी भी डाली थी कि हम दोनों के सेम सेम नेल्स हमने आज किए हैं। चलिए मूविंग टूवर्ड्स माई स्टैंडलेस मित्रा विशाली, चेक कर लेना। नेक्स्ट 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 अगेन अ वेरी 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 प्रिटी कलर विद दिस मेटालिक ऑलिव और गोल्ड शेड। मैंने वीडियो की थी उसमें ये लगाया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए थे कि मेटालिक नेल पेंट कौन सा है। दिस इज़ हर एंड कोए,
इज़ अ ब्रांड और ये बहुत ही सही लगता है लगाने के बाद, ये देखो बहुत ऑसम शेड है। और नेक्स्ट मूव करते हैं, जब हाइजीन और ट्रैवल की बात हो रही है तो दिस वन इज़ अ मस्ट हैव। ये ट्रैवल के लिए नहीं, मतलब ये एक्चुअली माउथ फ्रेशनर है, स्प्रे माउथ फ्रेशनर, मतलब इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो लाइक। सो इससे क्या है, ये बिल्कुल वीगन है, ट्रैवल फ्रेंडली साइज में, इतना छोटू सा साइज़ है। ये 3 का पैक आ रहा था, मैंने 3 का ही मंगा लिया। मैंने ये अपने 2-3 जो भी मैं बैग्स यूज़ करती हूँ उसमें मैंने रखे हुए हैं। आपने कुछ खाना ऐसा खाया है, अनियन खा लिया है या गार्लिक खा लिया है, उसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। आप ऑफिस में हैं या कॉलेज में हैं, कहीं भी अगर आपको ऐसे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तब यहाँ बहुत काम आता है, तो आप इसको ले सकते हो। मेरे तो हर बैग में पड़ा हुआ है, इट इज़ वेरी एसेंशियल। सो नेक्स्ट इज़ माई फेवरेट एंड योर फेवरेट टू, लिप शेड, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। 99.9% वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में मेरे लिप्स पर यही शेड होता है। इवन अभी भी जो मैंने लिप शेड लगाया है यही वाला है। दिस इज़ लैक्मे 925 वेटलेस मैट मूस लिप चीक टेंट इन द शेड ऑफ कॉफ़ी लाइट। ये एक ट्यूब, मतलब ये तो एक ही है, मेरे हर बैग में आपको एक ट्यूब मिल जाएगी अगर आप खोलोगे तो। अभी तक मैं इसकी काउंटलेस ट्यूब्स यूज़ कर चुकी हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब विद मेकअप, विदाउट मेकअप, लाइट आईज पे मेकअप किया है, कोई ड्रामेटिक आई की है तब भी, दिस इज़ माई फेवरेट लिपस्टिक। तो इसके लिए आप जा सकते हो, जो हमेशा मुझसे लोग क्वेरी करते रहते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पीस, इट इज सो क्यूट, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैंने ना आपको बोला ना, मैं कुछ पैचेस और कुछ बटन्स सर्च कर रही थी तो मुझे इतनी क्यूट चीज़ मिली जो आपको भी बहुत पसंद आई है। आई थिंक ये भी 10 के पीसेज में है। लुक एट द मल्टी कलर बटरफ्लाई, इस तरीके का बटन, ये देखिए आप देख रहे हो, क्यूट सी बटरफ्लाई बनी हुई है, इसके बीच में 2 होल हो रखे हैं। ये वुडन की बटरफ्लाई है और ये बहुत कलरफुल है, ये लाइक ये देखो 2-3-4 पीसेस, वही सारे ही अलग अलग हैं बटरफ्लाइज। इसके सेंटर पर 2 होल्स हैं, आप चाहें तो अपनी किसी भी ड्रेस में इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं, बच्चों की ड्रेसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो प्लान कर रही हूँ अभी, ये मेरी एक डेनिम की जैकेट है उसको थोड़ा सा एक नया रूप देने वाली हूँ मैं उसको। सो ऐसे ही कलरफुल ऑप्शन लाइक ये वाली बटरफ्लाई भी इसी में थी, एंड लाइक दिस पर्पल वन और मल्टी कलर्ड। सो ऐसे बटरफ्लाई 10 पीसेस इसके अंदर हैं। सो मैं ऐसे अगर आप किसी भी अपनी डेनिम को जीन्स के साइड पर या पॉकेट के साइड पर आप इनको स्टिच कर सकते हो और ये बहुत सुंदर लगने वाली है। सो मैं भी अपनी मतलब डेनिम जैकेट पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ चेकआउट माई व्लॉग चैनल विशालीज व्लॉग, उस पर ये ऐसी अतरंगी वीडियो जाती रहती हैं, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट और फाइनल शो स्टॉपर है दिस ब्यूटीफुल नेक पीस, जो है फ्रॉम द ब्रांड जूल्स गैलेक्सी। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, जिनके वेस्टर्न पीसेज, वेस्टर्न ज्वेलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं और बजट फ्रेंडली रहते हैं। ये प्रिटी नेकलेस, मेरी ये खुद की गोल्ड की चेन है, इसके ऊपर मैंने लगा लिया तो ये बहुत सही लग रहा है इसके साथ। और ये वाले इयररिंग्स मैंने इसके साथ पेयर किए हैं, इयररिंग्स मैंने अलग से खरीदे हैं। लाइक ये जो मैं आपको पैक दिखा रही हूँ, पैक ऑफ 3, ये जावेरी पर्ल्स के हैं। इस तरीके से यहाँ पर राउंड स्टड है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ऊपर गोल स्टड होकर नीचे पर्ल लगा हुआ है। देन थर्ड डिज़ाइन इज दिस, जो मैंने थ्रू आउट वीडियो पहनकर रखा, ये देखिए ये वाला इसके साथ सबसे ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने सोचा ये मैच हो रहा है पहले ये लगाया जाए। सो इसमें से आप कोई भी पहन सकते हो, इस तरीके से ज्वेलरी पीस के साथ ऐड करना चाहते हो बहुत सुंदर लगता है, डेलिकेट है, डेंटी है, इस तरीके का अगर आप पीस पहनना पसंद करते हैं गो फॉर इट। सो ये ड्रेस जो मैंने पहनी है ये है इंडिया ब्रांड से, अगर अमेजोन पे इसका लिंक मिल गया तो मैं दे दूंगी, अदरवाइज़ मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ, उस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगी तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, आपको पसंद आया है, कोई भी चीज़ ऐसी माइंड में क्लिक की है कि हाँ यार ये काम आ सकती है, तो मेक श्योर अपने एक फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग एंड गॉर्जियस ऑप्शंस के साथ, तब तक के लिए स्टे चिपक के, बाय।